CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। मुंबई के डोंगरी 10वीं मुहर्रम का जुलूस बड़े अकीदत के साथ मनाया गया। दूर दूर से आए हुए लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया। वहीं पर लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर शरबत और खाना बांटा और जुलूस के लोगों ने जय जय पुलिस स्टेशन और डोंगरी पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस वालों का दिल से शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर सना सैयद की ये खास रिपोर्ट मुंबई डोंगरी से। नमस्ते, CEN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंबई के डोंगरी इलाके में आए हैं जहाँ पे कई मजहब के लोग रहते हैं और यहाँ पे मुहर्रम बहुत ही शान से निकलता है। आइए आज हम डोंगरी के सीनियर PI भागड़ीकर सर से जानते हैं कि यहाँ पे कैसे, मतलब कि यहाँ पे कैसे बंदोबस्त करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, आइए जानते हैं इनसे। शुक्रिया। आप सब वाकिफ है कि डोंगरी मुहर्रम के लिए जानी जाती है। डोंगरी में जैसे आपने कहा मुहर्रम शान से निकलता है और यहाँ केसर बाग, पालागली मस्जिद, बाजू के जजे मार्ग पुलिस स्टेशन में मुगल मस्जिद, जैनबिया हॉल, इमामिया मस्जिद, ऐसे मरकज़ है और मुंबई के सभी इलाके से, देवनार और गोवंडी, यहाँ से लोग आते हैं, अलम निकालते हैं और मौला के शान में अपनी खिदमत पेश करते हैं। सभी को बताने के मुझे बहुत बड़ा आनंद हो रहा है, बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुहर्रम में रास्ते पे आप लोगों को भारी मात्रा में आदमी लोग दिखते हैं, मगर उतने ही तादाद में मुहर्रम में औरतें, खवातीन भी शामिल होती है और उनकी अलग मजलिस रहती है, अंदर रहती है और उतने ही तड़प से वो भी अपनी खिदमत पेश करती है। तो उनके लिए सुरक्षा का, प्रोटेक्शन का, सिक्योरिटी का इंतज़ाम क्या है, जो ज़्यादा चाहिए उसके बारे में हरदम पहले सवाल उठते थे। मुंबई पुलिस की तरफ से लेडीज़ पुलिस भी है, मगर मुझे बहुत फख्र और गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि यहाँ के लोकल लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO फॉर्म की है, उसका नाम है खद्दा में सुगरा और उसमें ऑल लेडीज़ आर देयर, ऑल एजुकेटेड लेडीज़ आर देयर, छोटे उम्र से बड़े उम्र तक सब लेडीज़ शामिल है। उनका प्लानिंग अच्छा रहता है, पूरे साल के लिए ये NGO है, मगर ख़ास करके मुहर्रम के 40 दिनों के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है और ये प्लानिंग से काम करते हैं। इनको पुलिस स्टेशन की तरफ से आई कार्ड दिया जाता है, उनका खुद का भी आई कार्ड है। इनका प्लानिंग जो है एक एक महीना पहले शुरू हो जाता है और उसके वजह से मुहर्रम में पुलिस के ऊपर का जो बोझ है वो बहुत हल्का हो जाता है, खास करके लेडीज़ के मामले में। हमारे यहाँ पे खुद्दा में सुगरा एक कमेटी है जो कि हमारे जुलूस में बहुत ज़्यादा ही साथ देते हैं हम लोग का। आइए उनसे दो लफ्ज़ जानते हैं। खुद्दा में सुगरा है, वो फॉर्म हुई थी 2014 में। उसके हम लोग के टीम के प्रेसिडेंट मिस्टर सफदरज करमाली एंड फॉर्मर मिस्टर सज्जाद हुसैन नानजी, जिसको पिल्लू भाई के नाम से जाना जाता है। ये टीम का मेन मकसद ये है कि जितनी भी लेडीज़ औरतें हैं, जितने भी जेंट्स हैं, नामहरम महरम का इश्यूज़ बहुत उठता है कि नामहरम महरम एक साथ ना हो, तो इसलिए ये टीम उस वजह से फॉर्म की है कि ये इश्यूज़ ना हो, झगड़े ना हो, कोई मिक्सअप ना हो और सब आराम से, जेंट्स भी अपना जुलूस बराबर निकाले, लेडीज़ भी ज्यारत कर सके और सब सही तरीके से हो सके। हम मुंबई पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और CEN न्यूज़ में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।